हाय एवरीवन, आज जो कि 22 अप्रैल है और आज मेरे केस को 17 साल हो चुकी है और मैं इस वक्त में एक ऐसी लोकेशन पे जा रही हूँ जहाँ पे मेरे ऊपर अटैक हुआ था और मैं आज उस जगह को दिखा के आप लोगों से अपने केस के बारे में बात करूँगी, अपनी स्टोरी के बारे में बात करूँगी और आज मैं अपनी वो स्टोरी बताऊँगी, मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। और हाँ, कई बातें ऐसी रह जाएंगी लेकिन एक समय ज़रूर ऐसा आएगा जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी की वो एक पूरी हिस्ट्री लेके आऊँगी जो कई बातें उसमें आप लोगों को पता ही नहीं है। तो अब चलते हैं और मिलते हैं उस लोकेशन पे जहाँ पे मेरे ऊपर अटैक हुआ था और वो लोकेशन है खान मार्केट। जी हाँ, खान मार्केट। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से खान मार्केट में और फिर बताती हूँ आगे की कहानी, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। सो गाइज, इस टाइम पे हम लोग इंडिया गेट में हैं और ठीक लेफ्ट साइड में पटियाला कोर्ट है और ये पटियाला कोर्ट में यहीं पे मेरा केस चला था काफ़ी टाइम तक और 2009 में उनको सज़ा मिली थी और इसी कोर्ट में सज़ा दी गई थी। और ये वो पार्क है जहाँ पे मैं बैठा करती थी, इंतज़ार करती थी कि अब मुझे बुलाया जाएगा और कुछ तो कहा जाएगा और जजमेंट का वेट किया करती थी। और इस तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये है इंडिया गेट और हम लोग इंडिया गेट की तरफ से निकल रहे हैं। तो मतलब ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं तो बहुत कड़वी यादें भी जुड़ी हैं। हमारा पार्क और ये हमारा टर्निंग पॉइंट और ये मेरा स्कूल और मैंने यहाँ से 6th में एडमिशन लिया था अपने इस स्कूल में और मैं SKV में पढ़ती थी, सर्वोदय कन्या विद्यालय, दिस इज़ माय स्कूल। सो मुझे ये मेरा स्कूल है तो यहाँ पे मैं पढ़ा करती थी। तो बहुत सारी पुरानी यादें हैं तो मैं बाहर निकलती हूँ एक बार और अपने आप को भी दिखाती हूँ। गाइस, ये मेरा स्कूल है जिसमें मैं पढ़ा करती थी और मैं 7th तक यहाँ पे पढ़ी थी और मुझे यहाँ पे मेरी बहुत सारी यादें हैं और मुझे मैं बहुत कुछ फील कर रही हूँ और ऑफ कोर्स मैं मिस करती हूँ अपने स्कूल को। एक रेगुलर लाइफ थी, एक रेगुलर स्कूल था, बहुत ही अमेजिंग टाइम था, यहाँ पे बैठा करते थे, कभी ये पार्क है यहाँ पे खेला करते थे। हाँ, स्कूल के अंदर भी पार्क है लेकिन यहाँ पे भी हम लोग खेला करते थे, बहुत इंजॉय करते थे। और एक चीज़ और बताऊँ, इधर थी मेरी क्लास बिल्कुल सामने, मैं दिखाती हूँ आपको कि ये जो पेड़ है और इसके सामने ये जो क्लास है, ये वाली मेरी क्लास थी। तो हाँ, मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ ये सारी चीज़ों को देख के। मैं वापस जीना चाहती थी वापस, लेकिन मैं रेगुलर स्कूल वापस नहीं कर पाई क्योंकि उस वक्त में मुझसे नहीं हो पाया रेगुलर स्कूल और मैं वापस अपने स्कूल में, मेरे को ऑप्शन भी दिया गया और शायद मैं वापस नहीं आ पाई अपने स्कूल में। तो हाँ, लेकिन आज इतना सब कुछ करने के बाद कभी मुझे मेरे स्कूल से मौका मिला यहाँ पे आके बात करने का और टॉक करने का तो मैं ज़रूर एक बार अपने स्कूल के अंदर आना चाहूँगी और विज़िट करना चाहूँगी, देखना चाहूँगी कि अब क्या बदलाव आ चुका है सर्वोदय कन्या विद्यालय में। चलो अब अगले लोकेशन में मिलते हैं। इस वक्त में हम लोग खान मार्केट मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मैं हमेशा अपनी स्टोरी बताती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि खान मार्केट में मेरे ऊपर एसिड अटैक हुआ था। ये आप पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है। 2005 में मेट्रो स्टेशन नहीं हुआ करता था तो मैं उस साइड से आ रही थी, दूसरी तरफ से उस साइड से आ रही थी और मैं इस तरफ जा रही थी और मैं अब आपको एग्जैक्ट उस लोकेशन पे लेके जा रही हूँ जहाँ पे मेरे ऊपर एसिड डाला गया था। और इसके अलावा भी एक सस्पेंस है जो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और ये वही जगह है, ये एग्जैक्ट वही जगह है जहाँ पे मेरे ऊपर आज ही के दिन 22 अप्रैल 2005 में एसिड अटैक हुआ था। और देखने वाली बात ये है, ये जो आप पेड़ देख रहे हैं पीछे, ये वो पेड़ है जब मेरे ऊपर अटैक हुआ उस वक्त में उन्होंने ग्लास में एसिड ले रखा था और वो एसिड, उसमें भी एसिड था, वो उन्होंने इस पेड़ के ऊपर फेंका और वो एसिड जो था उससे ये पेड़ जल गया था बुरी तरीके से। लेकिन 2005 का वो पेड़ और 2022 का वो पेड़ आज भी बहुत हरा है, ग्रीन है। मुझे इसको देख के बहुत खुशी होती है कि बहुत ज़्यादा हरियाली है यहाँ पे, इस पेड़ में बहुत हरियाली है। मेरे लिए बहुत ही पेनफुल है यहाँ पे, मैं अपनी स्टोरी को बहुत थोड़ा सा करके बताऊँगी क्योंकि मुझसे यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा है और मुझे यहाँ थोड़ी सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि आज ही का वो दिन था, मैं कभी नहीं भूल सकती। अटैक सिर्फ एक पर्सन पे नहीं, उसके पूरे परिवार पे होता है। सो एक 32 साल का लड़का जो एक 15 साल की लड़की से प्यार करता था,
और उसने शादी के लिए प्रपोज़ किया, और जब उस लड़की ने मना किया तो 22 अप्रैल 2005 में मैं एवरी डे की तरह ही आ रही थी यहाँ पे और एक बुक शॉप पे जा रही थी, और वहाँ से आते आते अचानक से यहाँ पे जब मेट्रो स्टेशन नहीं था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हुआ करता था, बहुत ज़्यादा, क्यों, क्योंकि मेट्रो स्टेशन नहीं था और उस वक्त में मॉर्निंग टाइम था, बस स्टैंड था, और जो कि आज इतना क्राउड नहीं होता, बसेस लोग मेट्रो यूज़ कर रहे हैं, इतना ज़्यादा क्राउड है ही नहीं यहाँ पे। तो उस वक्त में जब मैं यहाँ पे आई, वो लेडी और उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड, वो दोनों उस साइड से आए थे, वो जो जहाँ से वो ट्रक आ रहा है वो लोग वहाँ से आए थे, और उसके बाद जैसे ही वो लोग आए मैंने उन लोगों को देखा भी था, और वो मुझे प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहे थे, जहाँ मैं रहती थी गर्लफ्रेंड वहाँ से वो लोग फॉलो कर रहे थे, और मैं यहाँ पे पहुँचती हूँ, और अचानक से आने के बाद वो लेडी मेरे फेस पे हाथ रखती है, मुझे ज़मीन पे ही इसी जगह पे, ये वो जगह है जहाँ पे उन्होंने मुझे ज़मीन पे धक्का मारा था, और ग्लास में एसिड था, वो एसिड सीधे मेरे फेस पे डाला, और इस पेड़ पे उन्होंने वो ग्लास को फेंक दिया, और उसके बाद से वहीं से ही मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई। और ये वो सड़क है जो मैं कभी नहीं भूल सकती, मैं 3 बार इस सड़क पे गिरी थी और मेरा कार एक्सीडेंट हुआ था, और किसी ने आके मेरी कोई मदद नहीं की, और लोग तमाशे की तरह देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे कि कब मरूंगी क्या होगा, और वही लोगों ने पूरा ऐसा गोल चक्कर बना लिया, और उसके बाद उन्होंने गोल चक्कर बना के वो मुझे देख रहे थे, कोई मदद नहीं कर रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी मुझे, और मेरा पैर हाथ में यहाँ पर पटक रही थी। ऑनेस्टली गाइज, मुझे यहाँ से यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है और मुझसे बोला नहीं जा रहा है, तो शायद मैं और ज़्यादा यहाँ नहीं बोल पाऊँ। हाँ, मैं दूसरी जगह जाके आपको अपनी पूरी स्टोरी बयां करूँगी, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा है यहाँ पे, मैं और ज़्यादा देर नहीं खड़ी हूँ। सो गाइज, पता है क्या होता है, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि लक्ष्मी इतनी हिम्मत वाली है, लक्ष्मी को अचानक से हुआ क्या है, लक्ष्मी इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है, लक्ष्मी के केस को 17 साल हो गए हैं। जो मैंने आप लोगों को बताया कि अटैक सिर्फ एक पर्सन पे नहीं, पूरे परिवार पे होता है, तो ये मेरे लिए बहुत पेनफुल है, और क्योंकि मुझे वो सारी चीज़ें याद आ रही है, मुझसे वो सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि मेरी ज़िंदगी से मेरे फादर चले गए इस केस की वजह से, मेरा ब्रदर चला गया इस केस की वजह से, तो शायद मैं अंदर से इतनी बुरी तरीके से टूटी हुई हूँ। हाँ, मुझे हिम्मत है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझसे जो बातें कही थी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है, मैं ज़्यादा देर यहाँ पर नहीं खड़ी हो पाती, यही एक कारण है, क्योंकि वो सारी चीज़ें रिपीट हो रही है मेरे दिमाग में कि हाँ, यहाँ पे अगर ऐसा नहीं होता तो शायद सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। कुछ वो लोकेशंस दिखाई जहाँ मेरा स्कूल था और जहाँ पे मेरे ऊपर अटैक हुआ था, और आप लोगों ने देखा भी कि मैं ज़्यादा देर वहाँ पे रुक नहीं पाई, उसे बर्दाश्त नहीं हो पाया, क्योंकि बार बार मेरे ना उस टाइम पर ऐसा हो रहा था कि बहुत सारी चीज़ें ना मेरे अंदर से निकल के आ रही थी, और उस जगह पर आप कितने हद तक जा सकते हो, उस जगह को आप देखना भी पसंद नहीं करते जिस जगह पे आपके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ हो। मैं बता रही थी अपनी स्टोरी के बारे में, मेरी स्टोरी ये थी कि 2005 की बात है, मैं 15 साल की थी, एक लड़का था जो 32 साल का था, और वो लड़का मुझे 2.5 साल से जानता था, और उन्होंने मुझे उस अटैक के 10 महीने पहले ही मुझे शादी के लिए प्रपोज़ किया, और मैंने मना किया, और मैं बहुत डर गई, सहम गई कि एक इंसान ऐसे कैसे सोच सकता है जिसको मैं भाई की नज़र से देखती हूँ। और उनकी जो 3 बहनें थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, सबसे अच्छी उसकी छोटी वाली बहन थी, और घर में आना जाना भी था, 2.5 साल से हम एक दूसरे को जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे, एक फैमिली की तरह सब कुछ हो चुका था, और अचानक से उस इंसान का माइंड कब कैसे किस तरीके से मुझसे वो शादी करना चाहते थे जिसको मैं भाई की नज़र से देखती थी, सडनली उन्होंने मुझे प्रपोज़ कर दिया। एक समय के बाद ऐसा हुआ, 2005 में 19 अप्रैल को उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, और मैंने कोई रिस्पांस नहीं किया, और उसके कुछ देर के बाद उन्होंने मुझे अचानक से फिर से मैसेज किया कि मुझे अभी और इसी वक्त जवाब चाहिए, मैंने तभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर उसके बाद वो मैसेज मेरे फ़ोन में ही रह गया। 21 अप्रैल को उन्होंने मुझे कॉल किया, उनके घर में एक ही फ़ोन था जो मुझे ये लग रहा था कि उनकी सिस्टर की ही कॉल होगी, और पर वही थे, और उन्होंने फ़ोन करके सबसे पहले यही चीज़ बोली कि आप तो कुछ करना चाहते हो ना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हो। मैंने कहा हाँ जी, और उन्होंने कहा ठीक है, और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। इससे पहले की एक बात बताना चाहती हूँ कि पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि लक्ष्मी तुम लाइफ में क्या करना चाहती हो, क्या बनना चाहती हो, तो मैंने कहा कि मुझे ना सिंगर बनना है, बड़े सीधे सरल शब्दों में मैंने अपने परिवार को कह दिया। अब मेरे परिवार ने मुझसे कहा नहीं, तुम कुछ और करो,
तो मैंने कहा कि नहीं मुझे यही करना है, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। फिर कुछ समय के बाद मेरे स्कूल की छुट्टियाँ पड़ने वाली थी और मैंने अपनी मम्मी पापा से ज़िद की कि मुझे ना कुछ करना है। तो उन्होंने बोला क्या, मैंने कहा मुझे जॉब करना है। तो उन्होंने कहा कि जॉब नहीं कुछ और करो, कोई कोर्स कर लो। तो मैंने कहा नहीं मुझे जॉब करना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है ज़्यादा दूर नहीं। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने खान मार्केट में एक बुक शॉप पर जॉब करनी स्टार्ट करी। अब जॉब करना मेरा मेन मकसद था ही नहीं, मेरा मेन मकसद था कि मैं किसी सिंगिंग क्लास को ज्वाइन करूँ और सिंगिंग सीखूँ। उस वक्त में 2005 में इंडियन आइडल शुरू हुआ था और मेरा बहुत मन था कि मैं इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करूं और एज एन सिंगर मैं बाहर निकल के आऊं। तो मैं ये देख रही थी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जो घर से बाहर निकल के आते हैं, जिनके पेरेंट्स कुछ भी नहीं समझते हैं, फिर भी वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो निकल के बाहर आते हैं और वो अपने सपनों को पूरा करते हैं। तब उस वक्त में ऐसे ही हुआ, मैं यही सब कर रही थी और मैं किसी सिंगिंग क्लास को ज्वाइन करना चाह रही थी। और मैंने सिंगिंग क्लास की बात करी, उन्होंने कहा कि आप फर्स्ट मई से आना, आपका एडमिशन हो जाएगा। और मैं बस फर्स्ट का इंतज़ार कर रही थी और अचानक से फिर वही 21 अप्रैल को उनकी कॉल आई। एवरी डे की तरह ही, मुझे ज़्यादा 15 दिन भी नहीं हुए थे जाते हुए बुक शॉप पे। और उन्होंने मुझे 22 अप्रैल मैं अपने घर से बाहर निकली आज ही के लिए। और घर से बाहर निकलती हूँ मॉर्निंग 10:45 का ही टाइम होता है, मैं रास्ते में अपने फादर से मिलती हूँ, मिल के उनसे कुछ पैसे लेती हूँ और निकल के जाती हूँ उसी लोकेशन पे जो लोकेशन आप लोगों ने देखी। और वही लोकेशन जब आपको आगे दिखेगी भी। और मैंने उस वक्त में उस लोकेशन मैं बस पहुँच ही रही थी उस जगह पे, और फिर अचानक से वो लड़का और उनके छोटे भाई की शूट चल रहा है यार। मैं ऐसे ही एवरी डे की तरह ही मॉर्निंग 10:45 पे निकली और फिर अचानक से मैं उन लोगों को देख रही थी। और मैंने कुछ लोकेशंस आप लोगों को नहीं दिखाई है और मैं कोशिश करूँगी कि एक समय के बाद मैं एक अपनी ऐसी वीडियो लेके आऊँ जहाँ पे मैं हर एक बात को आप लोगों के बीच में रख सकूँ। हर वो ये 17 साल की वो जर्नी जो हर दिन मेरे साथ बहुत पेनफुल रही है। तो उस वक्त में मैं उस लेडी को देख रही थी, वो लेडी मुझे घूर घूर के देख रही थी और मुझे ऐसा लगा कि लड़के तो देखते ही देखते आजकल मतलब लड़कियों को क्या हो गया कि वो इतना घूर घूर के देखने लगी है लड़कियों को। फिर मैं आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद फिर मैंने रोड क्रॉस किया, मैं अचानक से खान मार्केट जो मैंने आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ आगे जो मैंने दिखाया है इस लोकेशन पर मैं जैसे ही पहुँची और अचानक से वो दोनों आए और उस लेडी ने मेरे फेस पर हाथ रखा, मुझे ज़मीन पर धक्का मारा और ग्लास में एसिड था वो सीधे मेरे फेस पे डाल दिया। और उसके बाद से वहीं पे ही मेरी लाइफ एक तरीके से बिल्कुल चेंज हो गई, लाइफ चेंज हो गई। मतलब सही मायनों में देखा जाए मैं उस वक्त में उस होश में ही नहीं थी, मुझे यही याद नहीं कि मैं कितने टाइम के बाद होश में आई। जब मैं होश में आई तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने ज़िंदा आग लगा दिया, पूरी बॉडी में आग लगा दिया और मेरे लिए बहुत ही पेनफुल था। फिर उसके बाद वहाँ पे मेरा 3 बार कार एक्सीडेंट हुआ और फिर मैं वहाँ से मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई, आरएमएल हॉस्पिटल गई। वहाँ जो मुझे ले जाया गया वहाँ पे मुझे 20 बाल्टी पानी डाला गया और जैसे ही मेरे पेरेंट्स आए और मेरे पापा ने मुझे गले से लगाया, उस 20 बाल्टी पानी डालने के बाद भी उनकी पूरी शर्ट जल गई और वो मेरे लिए बहुत पेनफुल था, वो उनके लिए भी बहुत पेनफुल था। वहीं से मेरी एक जर्नी स्टार्ट हुई और डॉक्टर्स ने कहा कि मैं नहीं बचूंगी, और लेकिन मुझे वापस आना था और आप लोगों के लिए वापस आना था और मैं आप लोगों के लिए वापस आई। 2 ऑपरेशन मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुए, वहाँ से मैं निकली, मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल, यही सारी चीज़ें, एक नॉर्मल लाइफ अचानक से ख़त्म हो गई। फिर वहाँ से मैं फिर अपोलो हॉस्पिटल गई, वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ और मुझे बहुत अच्छे डॉक्टर मिले, डॉक्टर कुलदीप सिंह, वो एक तरीके से मेरी सेकंड मदर हैं जिन्होंने मेरे को इतने अच्छे से मेरा ट्रीटमेंट किया। मेरी लाइफ से ना सारे रिश्तेदार सब लोग ना मेरी लाइफ से जा चुके थे, मेरे सारे फ्रेंड्स सब लोगों ने मुझे ना छोड़ दिया था, पूरी तरीके से छोड़ दिया था, सब ने नाता तोड़ दिया था जिस वक्त में मुझे उन सब की ज़रूरत थी। देन उसके बाद फिर मेरी लाइफ में मेरे पापा की बॉस श्रीन आंटी, अपर्णा भट्ट जो मेरी लॉयर, मेरे फादर, मेरी मदर, ये सब लोग मेरी लाइफ में एक तरीके से पूरी दुनिया के बराबर, मतलब पूरी दुनिया की तरह रहे हैं, पूरी दुनिया इनमें थी और मैं इन लोगों को जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना ही कम है। वहीं से फिर और जर्नी, बैक टू बैक बहुत सारी जर्नी रही मेरी।
2006 में PIL डाला सुप्रीम कोर्ट ने एसिड को बैन करने के लिए. ऐसा लगा कि जब अंडा बैन हो सकता है तो एसिड क्यों नहीं बैन हो सकता. बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी. फिर 2009 तक इंतज़ार किया कि कब केस ख़त्म होगा, कब पनिशमेंट होगी. बस आँख खुलती थी वही कोर्ट, आँख बंद होती थी इस डर से फिर कल कोर्ट जाना है, फिर आँख खुलती थी हॉस्पिटल, फिर आँख बंद होती थी फिर कल हॉस्पिटल जाना है, फिर वही सब दर्द. और फिर उसके बाद 7 ऑपरेशन हुए 2005 से लेकर 9 तक. आज भी मेरे ऑपरेशन पेंडिंग है लेकिन मैं नहीं करा रही हूँ. आज भी बहुत सारा ट्रीटमेंट पड़ा है पर वो मैं नहीं करा रही. ऐसी बहुत सारी चीज़ें चली. मैं 2.5 महीने के बाद मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से जब मैं निकल के बाहर आई, मैं बहुत ही फिल्मी टाइप की लड़की थी और उस वक्त मेरा बड़ी वो ट्रेंड में चल रही थी खून भरी मांग मूवी. तो उस वक्त में यही हुआ कि एक ऑपरेशन हुआ और एक ऑपरेशन के बाद तुरंत ऐसा हो गया कि बस शक्ल एकदम चेंज और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगी. तो आप ना मूवी के तरीके से खुद को ऐसा देखते हो कि बस ऐसा ऐसा. बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट भी किया मुझे कि आप अमेरिका चले जाओ, बाहर देश चले जाओ, ट्रीटमेंट करा लो. ट्रीटमेंट यहाँ पे भी है, वैसे ही डॉक्टर भी है, सब कुछ है ट्रीटमेंट यहाँ पे, लेकिन हमारा सोच का मतलब सोच ही कुछ अलग. जब मैं वापस अपने घर आई तो मैंने देखा कि मैं खुद को देखना चाहती थी लेकिन मैंने अपने घर में देखा कि मेरे घर से शीशे फ्रेम सब कुछ हटा दिए गए थे. और मुझे ऐसा लग रहा था शायद मेरे वेलकम के लिए ही सारी चीज़ें की गई. तब उस वक्त में बस खुद को देखने का एक था कि बस मुझे देखना है खुद को. तो मेरे फेस में बहुत ज़्यादा पट्टियाँ बंधी हुई थी और मुझे ना गंजा कर दिया गया था और टप में ना पानी हुआ करता था. तो मैं ब्रश करती थी तो मैं ऐसे खुद को ना देखती थी कि भाई मुझे देखना है खुद को, तो मुझे नहीं देखने दिया जाता था. तब उस वक्त में ऐसा हुआ कि बहुत सारे ना सोसाइटी के वो लोग जो आते हैं और फ्री फंड की एडवाइस देते हैं, जिनकी एडवाइस का हमें कोई मतलब नहीं होता, मतलब उनकी एडवाइस ही बहुत ही अजीबोगरीब होती है. आते हैं और आने के बाद एकदम से हाय बेचारी लड़की, क्या हो गया इसके साथ, हाय बेचारी शादी कैसे होगी इसकी, बॉडी के किसी और पार्ट पे एसिड डाल दिया होता, चेहरे पे ही क्यों, गोली मार दिया होता, जान से ही मार दिया होता, पैर काट दिया होता, बेचारी की शादी कैसे होगी. इतना तो मेरे पेरेंट्स ने भी नहीं सोचा होगा जितना वो सोच रहे थे इन सब चीज़ों के बारे में. एक तो आप किसी के घर आए हो, किसी को देखने आए हो, किसी से मिलने आए हो और आप इस तरीके की बातें कर रहे हो. और सबसे शॉकिंग वाली बात तो ये, आप एक काम करो, ये तो लड़की आपका तो बेटा भी है, इसको इंजेक्शन लगवा के ना मरवा दो. ये सोसाइटी, मुझे जब तक नहीं पता कि मेरे साथ हुआ क्या है, कुछ भी मुझे नहीं पता. उसके बाद अचानक से फिर मैं खुद को फाइनली शीशे के सामने देख ही लेती हूँ और देखने के बाद मैं खुद हैरान हो जाती हूँ कि क्या ये मैं ही हूँ, मेरे साथ इतना बुरा तो नहीं हो सकता, इतना बुरा कभी भी नहीं हो सकता, मैंने ऐसा क्या किया है, मैंने सिर्फ ना ही तो कहा. फिर मैंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ क्योंकि मैं भी इसी सोसाइटी से ही, मुझे भी बचपन से यही चीज़ सिखाया गया है कि भाई लड़की के लिए ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके लिए उसका चेहरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो फिर मैंने भी सुसाइड करने का सोच लिया. और उसके बाद अचानक से ऐसा हुआ कि मैं शीशे में देख रही थी खुद को, देखते देखते खुद ही शीशे से बात करना शुरू किया और बात करते करते अचानक से मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लक्ष्मी तुम सुसाइड तो कर लोगी 2 मिनट में तुम, लेकिन उस 2 मिनट के बाद का क्या, जो माँ और पिता इस पूरे 2.5 महीने में सोए नहीं है, जिन्होंने खाया भी नहीं है चैन से, मुझे बचाने के चक्कर में उन्होंने पता नहीं ज़मीन आसमान एक कर दिया और फिर से वही सारी गलती, तुम ये सब करने की जगह जो गलती तुमने अटैक से पहले की थी, ये कि अपने पेरेंट्स से बात ना करके, वही गलती तुम अब भी करोगी अपने पेरेंट्स से बात ना करके, क्यों ना इस बार अपने पेरेंट्स से बात किया जाए. तब उस वक्त में मैंने यही डिसीज़न लिया कि मैं अपने पेरेंट्स से बात ज़रूर करूँगी. और उसके बाद मैंने इंतज़ार किया अपने मम्मी पापा का. मैं अपने पेरेंट्स से मिली और मैंने अपने पापा मम्मी से कहा, जितना आसान था मेरे लिए कहना उतना ही मुश्किल था उनके लिए सुनना. मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे आपने इंजेक्शन लगवा के मरवा दो. तो मेरे पापा ने मुझसे कहा कि बेटा, मुझे गले से लगाया उन्होंने और मुझसे कहा कि बेटा इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो नामुमकिन है, हर एक काम मुमकिन ही मुमकिन है. एक दिन एक ऐसा वक्त आएगा और तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा. और आज मैं कहती हूँ आई लव माई फेस. मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, कोई मुझे कैसे देखता है, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि मैं कैसे सोचती हूँ,
कैसे चलती हूँ, कैसे देखती हूँ, खुद की सोच को कैसे रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है तेजाब हमारी सोच में है, तो हमें अपनी सोच से तेजाब को हटाने की ज़रूरत है। और उसके बाद से मैंने अपनी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर लिया। जो मेरे पेरेंट्स मुझे कहते थे वो मैं करती थी, उनको मैंने सुना, अच्छी तरीके से सुना। ऐसे लाइफ के ना बहुत सारे पहलू आए, बहुत सारी चीज़ें आई। हर दिन कुछ ना कुछ नया आया, हर दिन नए नए चैलेंजेस आए, लेकिन उस चैलेंज को मैंने एक्सेप्ट करते हुए मैं आगे बढ़ती गई, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, शिरीन आंटी, अपर्णा भट्ट मेरी लॉयर, ये सब लोग पूरी दुनिया के बराबर थे। वो लोग तो मेरा साथ छोड़ के चले गए, लोग दोस्ती नहीं करना चाहते थे। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज वो ये था, मैं 4 साल तक फेस कवर करके चलती थी, और 4 साल के बाद मैंने ना खुद को देखना शुरू किया। मेरे बाल यहाँ यहाँ तक के हो गए थे, मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग कर रही थी, टेलरिंग कर रही थी, मैंने अपनी ड्रेसेस खुद बनाना शुरू किया। और उसके बाद फिर मैं आईने के सामने आई और मैंने खुद को देखा शीशे के सामने, और मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि तुम तो बहुत सुंदर दिखती हो, तुम अपना फेस कवर करके क्यों चलती हो। तब उसके बाद मैंने अपनी टीचर से, अपनी मदर से पूछा कि क्या मैं फेस ओपन करके चल सकती हूँ। तब उन्होंने मुझे बोला कि ये आपकी लाइफ है, आपको देखना है कि आप चल सकती हो या नहीं, आपको फेस करना है लोगों को। तब मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उस दिन सबसे बड़ा डिसीज़न लिया कि मैं अपना चेहरा कवर करके नहीं चलूँगी। और पता है शॉकिंग बात क्या थी, जब मैं फेस ओपन करके चल रही थी ना, मेरा सबसे ज़्यादा मजाक पता किसने उड़ाया? आप लोगों के मन में भी कुछ चल रहा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सबसे ज़्यादा ना लड़कियों ने मेरा मजाक उड़ाया। पता दुनिया का सबसे कड़वा सच, सबसे बड़ा झूठ क्या है? एक औरत औरत का दर्द समझती है। ये सब ना कहीं भी बात है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आए। उसके बाद एक और नया चैलेंज, वो चैलेंज ये था कि 2010 के आसपास मेरे भाई को टीबी हो गया, और उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि वो नहीं बचेगा, क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल स्टेज पे था। फिर डॉक्टर ने कहा कि वो नहीं बचेगा, और फिर अचानक से फादर को हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई, और हमें पता ही नहीं चला कि उनको हार्ट अटैक भी आया है। और मुझे रोना भी नहीं आ रहा था उस वक्त में, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरी लाइफ से मेरे फादर चले गए, जिनके साथ मेरा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, जिसने मुझे जीना सिखाया था, जिन्होंने मुझे चलना सिखाया था। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं था कि हम उनको कोई अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा पाते। भाई सड़क पे हॉस्पिटल के बाहर पड़ा हुआ था और फादर अंदर। पूरी रात हॉस्पिटल के चक्कर काटे, पूरी रात ऊपर से लेके नीचे तक कितना दौड़ाते हैं, बहुत भगाते हैं, इतना उन्होंने ब्लड लेने के बाद फिर उन्होंने कितनी सारी चीज़ें करी फादर के साथ। फिर उसके बाद काफ़ी टेस्ट चले, काफ़ी कुछ हुआ, मैं गई और वेंटिलेशन की नीड थी उन्हें, मैं गई डॉक्टर के पास, मैंने उनके पैर पकड़े, उनके आगे हाथ जोड़ा, मैंने कहा कि मुझे मेरे फादर को बचा लीजिए, उनके अलावा हमारा कोई भी नहीं है, प्लीज़ बचा लीजिए। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, सुबह उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा 9 बजे ICU में, और हम किसी को अंदर आने नहीं देते, आप अंदर आना और आके आप अपने पापा को सांस देना। और मैं बहुत खुश थी कि एट लास्ट सारी चीज़ें होंगी। थोड़ी देर के बाद मैं नीचे गई, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग वॉमिट कर रहे थे, पूरी रात मैं अंदर थी वार्ड के अंदर, और बहुत कुछ चल रहा था वहाँ पे, मुझे चक्कर आ रहे थे, मुझे भी वॉमिट आ रही थी, मुझे अजीब सा हो रहा था, कुछ खाया भी नहीं था। फिर अचानक से मैं मम्मी को फ़ोन करके बोला आप ऊपर आ जाओ और मैं नीचे आ जाती हूँ। और मैं जैसे ही नीचे गई, मेरी मम्मी भागते हुए, बहुत तेज़ी से भागते हुए वो आई, और उन्होंने, मुझे लगा कि डॉक्टर शिफ्ट करने के लिए बोल रहे हैं, वो जैसी आई और उन्होंने कहा कि पापा गए। मतलब बहुत शॉकिंग था कि पापा इतनी आसानी से, जिन्होंने अपनी बेटी को जीना सिखाया है, जिन्होंने मौत के मुँह से कई बार निकाल के बाहर लेके आए हैं, वो पिता इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते, पॉसिबल ही नहीं हो सकता। मेरे फादर की डेड बॉडी मेरे सामने पड़ी थी और मैं आगे जा रही थी,
और मैं उनके हाथ की तरफ देख रही थी कि जब भी मुझे रास्ता जानना होता था, कहीं जाना होता था, तो मैं अपने फादर से पूछती थी कि कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। अब तक मुझे ये लग रहा था कि कौन मुझे रास्ता दिखाएगा, कैसे हो पाएगा सब कुछ, आगे कैसे चीज़ें पॉसिबल हो पाएगी। तब उसके बाद वो बहुत पेनफुल टाइम था। कुछ समय के बाद ब्रदर की भी डेथ हो गई और बहुत ही पेनफुल रहा। मैं कहती हूँ मुझसे ज़्यादा सर्वाइवल, जो बड़ी सर्वाइवल है वो मेरी मदर है, और मेरी मदर ने सबसे ज़्यादा देखा है इन सारी चीज़ों को, अपनी बेटी के ऊपर अटैक, हस्बैंड को अपनी आँखों के आगे जाते हुए, बेटे को अपने बेटे को अपनी आँखों के सामने जाते हुए देखा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत पेनफुल थी, बहुत दर्दनाक थी, जो सोचा भी नहीं जा सकता। ऐसी ज़िंदगी की बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ी, चाहे अच्छे काम हो, हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए आपको हमेशा सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें रही लाइफ में, बहुत सारा स्ट्रगल रहा, हर दिन कुछ ना कुछ रहा लाइफ में, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे करके ऐसा लगा कि कब तक हम चुप बैठ सकते हैं, कब तक अपनी आवाज़ को बंद कर सकते हैं। धीरे धीरे अपनों को खोते हुए देखा, बहुत कुछ खो गया, जिसमें जान बसती थी वही नहीं रहे लाइफ में, भाई था छोटा जिससे लड़ा करती थी कभी, वही नहीं रहा लाइफ में, सब कुछ बहुत पेनफुल था। बट लेकिन हाँ, अब आप लोगों के सवाल होंगे बहुत सारे, यही कि कैसे आगे बढ़ी, उनको सज़ा हुई या नहीं हुई, कहाँ से इतनी हिम्मत मिली, ये सारी चीज़ें आप लोगों के बीच में छोड़ के जानी। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं अपनी जर्नी को और किस तरीके से बता सकती हूँ, आप लोग क्या क्या सुनना चाहते हैं मेरी जर्नी में, और क्या क्या जानना चाहते हैं आप मेरी जर्नी में, क्या चल रहा है आप लोगों के मन में, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अपने दिल की वो सारी बातें जो मुझे कहनी थी, वो भी आज के दिन जो मेरे लिए बहुत ही पेनफुल है, वो मैंने ज़रूर कही आप लोगों से। इसके आगे भी बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को जानना है कि मैं 2005 से 2022 में कैसे पहुंच गई। एक लक्ष्मी जो विक्टिमाइज हो रही थी, विक्टिमाइजेशन का शिकार थी, विक्टिम बोला जाता था, वो अचानक से फाइटर और एक नॉर्मल लाइफ में कैसे वापस आ गई। तो अगर आप लोगों को ये सब जानना है तो मेरी इस वीडियो को तो शेयर करना ही पड़ेगा, अगर आपको ये सारी चीज़ें जानना है तो कमेंट तो करना पड़ेगा, अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। तो आगे आइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कि मेरी ये वाली जर्नी आप लोगों को कैसी लगी और आप मेरी जर्नी में क्या सुनना चाहते हैं। मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट का और इंतज़ार करूँगी आगे की वीडियो बनाने का।